अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी किए थे कुछ देर पहले, आपको बताओ तो सेकेंड या थर्ड कुछ ऐसा ही था। खैर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए कोई एक अननोन कंपाउंड है, ठीक है, और फिर वही बेस लिया हुआ है, हीटिंग किया हुआ है और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड है, तो इसको पहचानने का एक तरीका, तो मतलब शॉर्टकट तरीका है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ रहता है ना, वहाँ पर आप क्या कीजिए, तोड़ दीजिए इसको, ठीक है। जहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना हुआ है वहाँ पर आप इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। और तोड़ने के बाद क्या कीजिए, आप एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ जो है ना सी डबल बॉन्ड ओ सिस्टम बना दीजिए, ठीक है। एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ आपको क्या करना है, सी डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, ठीक है। तो देखिए ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक बार हम समझ लेते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ चुका है और इस तरह से आप और ऊपर जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी एच डबल बॉन्ड ओ। आप गौर से देखिए तो ये 1 2 3 यहाँ 4 5 6 7 सेवन कार्बन का जो है ना कंपाउंड मिलने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 4 एक्स में हो गया 1 4 5 6 और 7, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरफ से आप देख सकते हो, देखिए आपको क्या करना है, क्या मैंने सिखाया आपको तरीका, इसको तोड़ दीजिए, जिधर डबल बॉन्ड ओ बना हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ बना हुआ है ना, उधर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है और दूसरे तरफ जिधर नहीं बना हुआ है उधर आपको सी डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, समझ गए बात को। चलिए ये तो ये एक शॉर्टकट तरीका सिखा दिया। दूसरा है कि अगर मैं ऑप्शन से आना चाहूँ तो देखिए कैसे हुआ होगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद जो है सी एच टू सी एच टू सी एच टू, ये भी देखिए रेट्रो एल्डोल ही किया है हमने, समझ गए बात को, मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ था और उससे हमें एल्डिहाइड बनाना था, ठीक है। तो ये देखिए कितना बार हो गया, 3 1 4 बार सी एच टू हो गया, फिर यहाँ पर सी एच ऐसा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब देखिए ये जो बेस है, हमारे पास जो बेस है वो बेस क्या कर सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है। यहां से निकाल के जब इस पर अटैक होगा तो 7 मेंबर रिंग बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। साइक्लाइजेशन हमेशा 5 या 6 मेंबर रिंग को ही फेवर करता है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 5 या 6 मेंबर रिंग, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखिए, यहां से तो इसका मतलब यह है कि हमें क्या करना चाहिए, और यहां पर देखिए 5 मेंबर रिंग ही बनाया हुआ है, तो कार्बेनाइन जो है हमें यहां से बनाना है, ठीक है। ये बेस क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को निकाल लेगा और यहां से कार्बेनाइन बन जाएगा, फिर इस कार्बेनाइन को हमें यहां पर अटैक करवा देना है, फिर ये खुलेगा। तो इस तरह से आप जो है 5 मेंबर का रिंग बना दीजिए, चलिए बना दिया। जहां पर अटैक हुआ उसको OH में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि O- के बाद OH में कन्वर्ट होगा। ये 1 2 3 4 और देखिए ये 5 मेंबर, 5 जहां पर है 5 से C डबल बॉन्ड O और उसके बाद CH3 हो गया ना। फिर उसके बाद जब आप इसका हीटिंग करेंगे, है ना, देखिए हीट भी दिया हुआ, नहीं भी दिया हुआ होगा ना, अल्किन बना हुआ है तो आपको अब ये चीज समझना ही पड़ेगा, ठीक है, कि अच्छा अल्किन बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि हीटिंग तो जरूर किया होगा। तो ये अल्फा पोजीशन, बीटा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन मैंने बताया था कि मोस्ट क्राउडेड, और इधर अगर आप डबल बॉन्ड सिस्टम बनाते हो तो ये इसके साथ कंजुगेशन में आ जाएगा, ठीक है, तो हमें इधर ही बनाना चाहिए। तो ये देखिए इधर से ये बनाया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो एक तरीका मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया, और एक दूसरा है कि आप ऑप्शन को चेक कर करके भी आंसर निकाल सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों फिर से वैसे ही देखिए, बेस दिया हुआ है और ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, ठीक है। तो कार्बन आयन हमेशा, देखिए एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन हो तो कार्बन आयन हमेशा बनाना चाहिए कीटोन के तरफ से, ठीक है। क्यों, कीटोन के तरफ से जब आप न्यूक्लियोफाइल बना लोगे, कार्बन आयन बना लोगे, तो एल्डिहाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो आसानी से उसके ऊपर अटैक कर लेगा, ठीक है। यही कारण है कि हम कीटोन के तरफ एनायन बनाते हैं और एल्डिहाइड पर उसका अटैक करवाते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया सबसे पहला नंबर इधर, तो देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 ये 4 और ये 5। तो
तो यहां से तो नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि यहां से आप एनायन बनाओगे, इसके ऊपर अटैक करोगे, तो थ्री मेंबर का रिंग पॉसिबल ही नहीं है। कहने का मतलब एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा होगा कि बनाएगा ही नहीं। जबकि अगर हम यहां से अगर हम हाइड्रोजन को निकालते हैं तो कार्बन आयन यहां पर बनेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में कार्बन आयन यहां पर बन गया, फिर वो कार्बन आयन क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और यहां पर जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो खुल जाता है, और खुलने के बाद उसको प्रोटोन मिलेगा, ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जो है सबसे पहला नंबर इस तरह से फाइव मेंबर रिंग बना देना चाहिए, जहां पर अटैक हुआ है वहां पर अपने मन से आप एक ओ एच लगा दीजिए, ठीक है। लगा दिया, फिर उसके बाद नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 कर दिए। अब चलिए यहाँ पर 1 2 2 पर क्या है, दो मिथाइल दिख रहा है तो दो मिथाइल हमने लगा दिया। 3 पर कुछ नहीं, 4 पर देखिए क्या है, 4 पर सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है, ठीक है, और 5 से अटैक हुआ ही था। अब उसके बाद जब इसका हीटिंग, देखिए यहाँ पर हीटिंग नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन देखिए क्वेश्चन का जो आंसर है उसको गौर से देखिए, सब में अल्किन बना हुआ है। तो कोई जरूरी नहीं बच्चों की हर हमेशा जो है ना डायलूट लिखा हुआ रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिखा हुआ रहेगा, ये सब नहीं लिखा रहेगा। देखिए एल्डोल जो है ना डायलूट NaOH के प्रेजेंस में होता है, और कैनिजारो जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में होता है। ये तो थ्योरी की बात है, ठीक है, सच्चाई है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या, मैक्सिमम जगह पर जो है ना केवल KOH NaOH ऐसे लिख देगा, कुछ भी नहीं लिखेगा डायलूट और कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा कुछ नहीं लिखेगा, हीटिंग भी नहीं लिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आपको देखना है अल्फा एच मौजूद है क्या। अल्फा एच का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के ठीक बगल वाले कार्बन पर, sp3 कार्बन पर अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो अल्फा एच है। तो अल्फा एच मौजूद है तो KOH NaOH जो भी दिया हुआ है बेस के प्रेजेंस में एल्डोल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब एल्डोल ही बनाना है कि एल्डोल कंडेंसेशन करके अल्कीन बनाना है, ये आपको ऑप्शन से पता लगा लेना है, ठीक है। और अगर अल्फा एच मौजूद नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन होगा, ठीक है बच्चों। ये कुछ बात थी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए सब में अल्कीन बना हुआ है, तो इसका मतलब हीटिंग नहीं भी दिया है तो भी हम हीटिंग करेंगे, मतलब ये बात अब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये अल्फा पोजिशन है, अब बीटा पोजिशन जो है आप इधर जाओगे तो इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, दो मिथाइल है, तो इसका मतलब आपके पास मजबूरी है यहीं से आप हाइड्रोजन हटाओगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH डिहाइड्रेशन कर दीजिए और अल्किन यहाँ पर बना दीजिए। और अल्किन जब आप बनाओगे तो देखो सी डबल यहाँ पर जो है दो मिथाइल के बगल कंजुगेशन में ये और ये, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है। देखिए दो मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल एक बॉन्ड छोड़ के फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है और फिर ये, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।